अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज गूगल प्ले स्टोर से। ये सरकार चाहती है किसानों को मनोबल को गिराना, किसानों के मनोबल को तोड़ना। तरह तरह के हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के गैंग का सदस्य कहा जाता है। किसान आंदोलन की गूंज पूरे देश में है और ये किसान आंदोलन का आक्रोश भी पूरे देश में फैला हुआ है। केवल एक ही मांग है कि तीन काले कानूनों को वापस लिया जाए। हक की लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है और हक की लड़ाई कल भी लड़ी जाती थी, यानी 1907 सौ साल पहले पगड़ी समाल जट्टा यानी वो किसान आंदोलन जो ब्रिटिश शासन काल में हुआ था, वो किसान आंदोलन जब तब भी तीन काले कानूनों को वापस लेने की बात की जा रही थी और आज भी तीन काले कानूनों को वापस लेने की बात की जा रही है। 1907 में हुए अंग्रेजों के खिलाफ किसान आंदोलन में तीन काले कानूनों को वापस लेने की बात की जा रही थी। उन तीन काले कानूनों में पहला था दोआब बारी एक्ट और दूसरा था पंजाब भूमि उपनिवेशन एक्ट और तीसरा था पंजाब भूमि हस्तांतरण एक्ट। ये तीन काले कानूनों के खिलाफ अंग्रेजों के जमाने में यानी 1907 में किसान आंदोलन हुआ था, जिसको लेकर पूरे देश में आवाज बुलंद हुई थी और मजबूर होकर अंग्रेजों को वो कानून वापस लेना पड़ा था। अब 2021 है और 2020 से 21 में हम प्रवेश कर चुके हैं और किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। 9 बार सरकार के साथ किसानों की बैठक हो चुकी है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। अपना पर्चे दीजिए। भाई मैं जिला बुलंद शहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में होतला गांव का निवासी हूँ। प्रमोद पाल सिंह मेरा नाम है। तीन काले कानूनों को वापस लेने की बात आप लोग कर रहे हैं, ये तीन काले कानूनों को वापस लेने की बात 1907 में भी हुई, 2021 में भी हो रही है। देखिए 2007 में जब ये कांग्रेस इन फिल्मों को 1907 में 1907 में 100 साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज थे और तीन काले कानूनों को वापस लेने की बात हुई थी। किसान आंदोलन हुआ था, पगड़ी समाल जट्टा नाम से आंदोलन चला था। अब 2021 है और दोबारा किसान आंदोलन हो रहे हैं और फिर एक बार तीन काले कानूनों को वापस लेने की बात। देखिए एक आपको स्पष्ट बात कर देना चाहता हूँ, देखिए हम कृषि सुधारों के मामले में सरकार कोई भी सरकार होगी तो कृषि सुधारों के मामले में अगर काम कर दे कौन किसको बुरा लगेगा, किसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने कृषि कानूनों के आड़ में जो देश के किसान के साथ जो इन्होंने कृषि खेल खेला है, देश के किसान के साथ इन्होंने बड़ा खेल खेल दिया है कि इस कानूनों की आड़ में किसान को एक तरह से बर्बाद करने की कहानी लिख दी गई है। किसान को उनकी सारी जमीन अपने जो पूंजीपति जो इनके सपोर्टर रहे हैं, जो इनको हमेशा इनको मदद करते रहे हैं, उनको इन किसानों की जो पूरी ताकत है, कृषि की जो ताकत है, उनके हाथ में दे दी जाएगी और किसान एक तरह से इनका गुलाम बन कर रह जाएगा। अब किसान इनके लिए काम करेगा तो आप देखिए जो कौम देश की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले पड़ी हो और देश को पूरी सेना बल भी दे रही हो, पुलिस बल भी दे रही हो, हर चीज देश की संभालने के लिए काम, ये किसान जो कर रहा है, जो गांव से जो निकल के हमारे जवान उन्हीं लोगों को आज ये गुलाम बना देंगे। तो आप बताइए कि किस तरह से ये देश का किसान अपने साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त कर अपना परिचय दीजिए। मैं खुर्जे का रहने वाला हूँ भाई साहब,
अभी अभी क्या चल रहा है, 26 जनवरी को क्या करने वाले हैं आप लोग? 26 जनवरी को हमारे जो ट्रैक्टर जाएंगे वो अंदर, और जिस तरह से ये 26 जनवरी मनाएंगे इस तरह से किसान मनाएगा। तो आप लोगों ने ये तय कर लिया है जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक नहीं हटना है? नहीं जी, आर पार की कोशिश करके जाएंगे साहब हर तरह से। भाई इनका जो इनकी जो पार्टी थी, ये पार्टी पहले जनसंघ पार्टी बोलते थे इसे, जो अपाजी की पार्टी थी ये जीवे भाई, और दीपक इनका निशान था चिन्ह, चुनाव चिन्ह। तो इन्होंने तो कोरोना का बहाना लेकर के क्या किया है, कोरोना का बहाना लेकर के दीपक जलवाई और साहब कई काम कराए इन्होंने कि थाली बजाओ, बजवाई थाली ना बजवाई, बताओ कौन सा काम ना कराया इन्होंने, देश को लूटना था इन्हें लूट। अभी 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 आप लोग को क्या नुकसान है इस कानून से वो बताइए। हमें तो पूरा नुकसान है, जब हमारी खेती नहीं रहेगी ऐसा कहाँ है भाई, जब हमारी माँ है हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जब वही हमारे तीन काले कानून कौन कौन से हैं जिसको वापस लेने की बात आप? देखिए एक पहले जो कानून है, एक कृषि की मंडी, कृषि मंडी कानून है, जिसमें हमारी उपज जिस समय ये हमारा जो किसान अपनी सब्जी को हरी फल सब्जियों को बेचने की मंडी में जिस समय जाएगा, तो उस समय वहाँ पर इनके प्राइवेटीकरण किए हुए इनके एजेंट बैठे हुए होंगे, उनके गोदाम बने हुए होंगे, तो वहाँ पे शुरुआत में करेंगे क्या कि उस फसल को ये थोड़ा सा महंगे रेट पर खरीदेंगे। महंगे रेट पर खरीदने के कारण टोटल किसान सब जानते हैं कि दो पैसे के लिए हर कोई लालच में आ जाता है, वहाँ तो 100-200 का आपको फायदा मिलेगा, तो आप टोटल अपनी उपज को उन्हीं को बेचेंगे। तो अंदर जो हमारी कृषि मंडी वाली जो बनी हुई समिति है उनको वहाँ पे कोई सामान नहीं मिलने वाला है, तो वो एक साल दो साल इंतजार करेंगे, आखिर जब वो घाटे में चले जाएंगे, जब किसान उनको कोई अपनी फसल बेचेगा ही नहीं सकते जहाँ पे, तो वो अपना वहाँ से तामझाम बेच कर चले जाएंगे। उस समय असली खेल वहाँ से शुरू होगा कि कब ये उनकी फसलों को किसान से अपने रेट में खरीदेंगे, जिस तरह से इन्होंने जियो को लेके आए थे, पहले इन्होंने फ्री में दिया। ये इतने पूंजीपति इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने पूंजीपति होने का मतलब ये होता है कि आप किसी तरह से आप किसी को भी मोड़ सकते हो, चला सकते हो। असली खेल वहाँ से शुरू हो, असली खेल वहाँ से शुरू होने वाला है, मतलब साल दो साल बाद इसका असर देखने को असर देखने को खत्म हो जाएगा जी, खत्म कर लेंगे असली, और कुछ नहीं, असली खेल वहाँ से शुरू होगा। दूसरा इन्होंने एक कानून जो इन्होंने बनाया कि इसको जो सरकार को इन्होंने कह दिया कि आप अपने, देखिए सरकार ने हमारी उपज का 4 लाख टन अनाज खरीदा, खाद्यान्न को खरीदा स्टॉक में, और प्राइवेट जो इन्होंने पूंजीपतियों ने खरीदा 4,80,000 टन खाद्यान्न को प्राइवेट वालों ने खरीदा। जिस समय सरकार इसको खुले में छोड़ देगी तो प्राइवेट वाले अब करेंगे क्या कि इस चीज को यहाँ से जिस समय ये स्टॉक भारी मात्रा में कर लेंगे, जिस समय किसान की फसल पक के आएगी उस समय उस भारी मात्रा में अनाज को बाजार में डाल देंगे। आप जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि जिस समय अस्त में इस समय हमें को मिल रहा है सरसों का तेल, आप लगा लीजिए 140 रुपये पर केजी मिल रहा है, पर केजी भी नहीं 900 ग्राम में आ रहा है मिल रहा है। उस समय जब हमारी फसल पक के आएगी उसी समय उसको अपने खाद्यान्न को अपने स्टॉक किए अनाज को या उनको बाजार में उतार देंगे, तो किसान को ये संदेश जाएगा कि इस समय तो भाई मंदा चल रहा है, तो किसान के अंदर ऐसी क्षमता नहीं होती क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ होता है और वो अपनी क्षमता के अनुरूप उसको स्टॉक नहीं रख सकता, इसलिए उसको अपनी फसल को सस्ते दामों में बेचना पड़ता है और उसको ये पूंजीपति अपने ही महंगे दामों में उसको खरीदेंगे और उसको स्टॉक करने के बाद जिस समय किसान बिल्कुल खाली हो जाएगा उस समय अपनी फसल को जिस तरह से आप देख रहे हैं सरसों का तेल 140 रुपये पर केजी मिल रहा है वैसे ही ये करेंगे, ऐसा ही इनका प्लान है आप लोग के साथ। तो अभी आप लोग गोपाल जी की सरकार है, एमएससी चाहते हैं ये एमएससी दो हमें लिख के, क्यों नहीं देना चाहते कि व्यापारी इन्हीं के हैं, व्यापारी की सरकार है ये, 9 बार अपने हाथों से ये सजा का प्रावधान क्यों नहीं बनाना चाहते। सरकार चाहती है किसानों को मनोबल को गिराना, किसानों के मनोबल को तोड़ना, तरह तरह के हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा जाता है। तो सरकार की नीयत ही जब साफ नहीं है, किसानों ने एक अपना उद्देश्य साफ कर दिया है कि बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, तो फिर सरकार उन बिलों को वापस लेके इस स्थिति को, इस हालात को समझने के लिए खुद जिम्मेदार। ये यूपी गेट है, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जी हाँ, और किसान आंदोलन की तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी किस तरह से।
किस तरह से यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेती। लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, हमने देखा कि लगातार टेंट और बनाए भी जा रहे हैं, यानी ये किसान आंदोलन लंबे अरसे तक चलने का एक अंदेशा नज़र आ रहा है, जो तस्वीरें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। किसानों का कहना है कि ये हक की लड़ाई है और वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूँ अभिनेंद्र।